हेलो बच्चों, तो अलख पांडे बेटर नोन एज फिजिक्स वाला का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1991 प्रयागराज यूपी में। वो शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग वाइशॉप जॉशन स्कूल आईसीएसई बोर्ड से करी। उनके पिता एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने घर बेचकर बिजनेस शुरू करने का सोचा, पर अफसोस वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। फिर अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए 8वीं में अलख पांडे सर ने क्लासेस लेना शुरू कर दिया। टाइम बीतता गया और देखते ही देखते अलख सर ने हाई स्कूल पूरा कर लिया 91% मार्क्स के साथ, और साइंस स्ट्रीम लेने के बाद उन्हें फिजिक्स से प्यार हो गया। अपनी 11वीं करते समय उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा एज अ टीचर। कमिंग टू हिज कॉलेज लाइफ, ही टुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स एंड अदर देन ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ड्रामास एंड थिएटर प्ले। और 2014 में अलख सर ने सॉफ्टवेयर एजुकेशनल एकेडमी में एज अ साइंस टीचर पढ़ाना शुरू किया अपना एक अलग ही अंदाज में। वो बच्चों को एंटरटेन वे में पढ़ाते थे। इसी दौरान उन्होंने एक एफबी पेज भी शुरू किया फिजिक्स वाला के नाम से। फिजिक्स वाला नाम इसलिए क्योंकि उनकी मम्मी उनको बड़ा होकर चाय वाला बनेगा बोलती थी, क्योंकि उन्होंने कॉलेज के थर्ड ईयर में ही ड्रॉप ले लिया था। फिर 28 जनवरी 2014 को उन्होंने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला शुरू किया। उनके इंस्टीट्यूट हेड ने सजेस्ट किया था ये चैनल शुरू करने। वो ये चैनल इसलिए चला रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती उन्हें मिलनी चाहिए। तब वो कोचिंग सेंटर और यूट्यूब दोनों पर बच्चों को पढ़ा रहे थे, और एक साल के अंदर अंदर उनके 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। और सब्सक्राइबर से याद आया टू सब्सक्राइब अवर चैनल। उनकी यूट्यूब चैनल से पहले अर्निंग थी 8000 रुपए। 3 साल बाद 2017 जब फिजिक्स वाला चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर थे, तब अलख सर ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और यूट्यूब को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। फिर 2019 का एंड हुआ, उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उसके बाद 2020 में उन्होंने अपना फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया, जिसके 24 घंटे के अंदर ही 1,00,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए थे। इतना फेमस होने के बाद बड़े बड़े एडटेक कंपनीज से उनको ऑफर आया, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद इन एडटेक कंपनीज ने बहुत सारे टीचर्स को पिच करना शुरू कर दिया, और जिससे एक बुरा असर पड़ा फिजिक्स वाला। लेकिन इन सब के बावजूद अलख सर ने हार नहीं मानी और ज्यादा से ज्यादा टीचर को हायर किया, जिनको फिर बच्चों ने खूब प्यार मिला। और इसी साल फिजिक्स वाला की कंपनी को सीरीज ए फंडिंग मिली, जिसका सम था $100 मिलियन। इन फंड्स की मदद से फिजिक्स वाला का वैल्यूएशन हो गया $1.1 बिलियन, और ये इंडिया की 101 यूनिकॉर्न कंपनीज में शामिल हो गया है। अभी फिजिक्स वाला ने ऑफलाइन सेंटर इंट्रोड्यूस कराया है फिजिक्स वाला पाठशाला के नाम से। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 2025 तक फिजिक्स वाला का स्टूडेंट बस 250 मिलियन होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस स्टार्टअप स्टोरी से क्या सीखा।